हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की रेसिपी है पनीर कुलचा। के लिए सबसे पहले हम इसकी स्टफिंग बना लेंगे। घिसे हुए पनीर में हम डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च, चॉप्ड हरी धनिया, आधा चम्मच नमक और थोड़ा सा काला नमक। सभी को हम अच्छे से मिला लेंगे। ये स्टफिंग रेडी हो गई है, अब इसको हम साइड में रख देंगे। अब हम कुलचे का आटा तैयार करेंगे। उसके लिए हम लेंगे 3 कटोरी मैदा। फिर हम डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच चीनी। अब डालेंगे 1/2 कटोरी दही। इन सबको हम मिला लेंगे। हम इसमें थोड़ा सा रिफाइंड तेल डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी को डालेंगे और एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। कुलचे का आटा तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर रिफाइंड तेल लगाकर इसे हम ढक कर 20 मिनट के लिए रख देंगे। बीस मिनट के बाद हम इसे एक बार फिर से थोड़ा सा भून लेंगे। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। अब हम 1 आटे की लोई लेंगे और उसे हम थोड़ा सा बेल लेंगे। इसके बीच में हम अपना पनीर की स्टफिंग रखेंगे, उसे चारों तरफ से सील कर देंगे। अब हम इसे बेल लेंगे। थोड़ा सा सूखा आटा डालकर हम इसे गोल या सिलेंड्रिकल शेप दोनों में किसी में भी बेल सकते हैं। मैं यहाँ इसे सिलेंड्रिकल शेप में बेल रही हूँ। हम इसके ऊपर हल्का हल्का पानी लगा देंगे। पानी वाले साइड को हम तवे पे डाल देंगे। अच्छा, डालने के बाद हम तवे को तुरंत पलट देंगे और उसे डायरेक्ट फ्लेम से पकने देंगे। साइड से हम देखते रहेंगे, जब उसमें हल्के हल्के ब्राउन स्पॉट्स आ जाएंगे तब हम उसे तवे को सीधा कर देंगे। देखिए इस तरह से अच्छे गोल्डन ब्राउन स्पॉट्स आ गए हैं। अब हम इसे पलट लेंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसे ऐसे ही पकने देंगे। अब ये पनीर कुलचा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे तवे पे से हटा लेंगे। अब हम इसके दोनों साइड पर अच्छी तरह से मक्खन लगा देंगे। इस तरह से हम सारे कुलचे बनाकर तैयार कर लेंगे।
पनीर कुलचे बनकर तैयार है।